हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा क्रांति। आज हम करेंगे मैथ्स वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या क्या है और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको और भी अच्छे से यह समझ में आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल शिक्षा क्रांति को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं मैथ्स वर्कशीट। देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आपको करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डबल द नंबर, डबल, डबल का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। यहाँ पे 75 वन टाइम्स है, अगर हम इसको टू टाइम्स करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 75 प्लस 75। तो हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कैसे करते हैं ये देखिए, हम यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे 75 और 75। ऐड, 5 प्लस 5 कितना होता है। अगर आपको नहीं करना आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लाइन्स लगाइए और यहाँ पे भी 5 लाइन्स लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 1 carry। 7 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वैसे ही चलो यहाँ पे लाइंस लगा के देखते हैं। ये हमने कितनी लाइन लगाई थी, 5, इसके आगे 2 और लगा दो, 5 6 7 5 6 7 प्लस 1। जैसे 7 और 7 प्लस 1 है ना, तो ये तो 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 और +1 15। तो 75 को 75 से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 150 150 150। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 18 में हम कितना ऐड करें, कितना जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, 22। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हमें करना होता है जो हमें यहाँ पे इक्वल के बाद में जो ये दी हुई है इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 22 में से 18 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 में से 8 नहीं जा सकते तो हम इससे एक लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12 12 में से 8 गया 4 और 1 में से बन गया 0। तो हम यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे, 18 प्लस 4, देखिए 18 प्लस 4, 8 9 10 11 12 12 22। ये देखिए 18 में हम 4 को ऐड करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। क्या आ जाएगा बच्चों, 22। 96 में से 6 गया कितना रह जाएगा, देखिए 96 में से 6 गया कितना रह जाएगा, 6 में 6 गया कितना जाएगा, 0, ये 9। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 9 0 90। आगे देखिए, पुट द करेक्ट साइन। देखिए यहाँ पे आपको ये लेस देन का साइन दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल। तो देखिए बच्चों इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 52। तो हम यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, ये ग्रेटर देन का, 52 इज द ग्रेटर देन फ्रॉम 25। विच नंबर इज नॉट इन टेबल ऑफ 3, सर्कल द नंबर। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर 3 की टेबल में नहीं आता। तो इसके लिए आपको 3 की टेबल पढ़नी पड़ेगी या फिर लिख कर देख लो, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 20
4, 3 5 जा 27, 3 10 जा 30। देखिए बच्चों, 3 की टेबल में 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 4 आ रहा है 3 की टेबल में? नहीं, तो हम इसको सर्कल कर देंगे जो कि 3 की टेबल में नहीं आता। व्हाट इज 7 प्लस 6? 7 को बच्चों हम 6 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये कितने थे, 7, 8 9 10 11 12 13। तो हम 7 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा बच्चों, 13। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 6 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 में 6 को ऐड करेंगे, देखिए 25 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 31। 6 को 25 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 31। 85 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। बताओ कितना करेंगे, देखिए 85 में से हम पहले इसको ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो गया, 0 8। तो 85 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। 20 प्लस 40, देखिए 4 5 6 और 0 प्लस 0 0। 40 प्लस 20 कितना होता है, 60। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पुट द करेक्ट साइन। ये देखिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा, कौन सा साइन आएगा, 44 और 44 तो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, इक्वल का। किसका साइन आएगा बच्चों, इक्वल का। तो देखिए आज हमने ये किया है, ये वर्कशीट किया है। अगर आप बड़े हैं तो घर पर अपने बच्चों को ऐसे ही वर्कशीट बनाकर आप उनसे उनको दे सकते हैं। अगर उनको समझ नहीं आए तो आप उनको ऐसे ही सिखा सकते हैं और रिवीजन भी उनकी से बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।